दिल्ली, फिर बारिश, फिर पानी पानी राजधानी, फिर जल जमाव। बारिश होते ही यमुना बाजार इलाके में सड़कें लबालब हो गई, बसें डूब डूब कर चलने लगी। राहत की बात यह है कि आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, सड़कों पर गाड़ियां कम है, इसीलिए सुबह सुबह ना तो ऑफिस के लिए भागम भाग है और ना ही ट्रैफिक जाम। दिल्ली में मानसून भले ही देरी से आया हो लेकिन दुरुस्त आया। राजधानी में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अभी चार दिनों तक दिल्ली पर यूं ही काले बादल मंडराते रहेंगे, दिल्ली यूं ही भीगती रहेगी। दिल्ली में बारिश लोगों के लिए राहत तो लेकर आती है लेकिन साथ में लेकर के आती है मुसीबत। जी हाँ, दिल्ली में सुबह से ही जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है वो लगातार जारी है और इस बारिश के सिलसिले के चलते दिल्ली वालों के लिए एक बार फिर से मुसीबत जो है वो खड़ी होना शुरू हो चुकी है। दिल्ली के तमाम कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जल भराव की समस्या जो है वो सुबह से ही शुरू हो गई है। कश्मीरी गेट, यमुना बाजार, ITO की ये तस्वीरें आप देखेंगे कि किस तरीके से सड़कों के किनारे धीरे धीरे पानी जो है वो जमना अब शुरू हो चुका है और लगातार इसी तरीके से अगर बारिश कंटिन्यू रहती है तो अगले कुछ घंटों के अंदर ITO इन तमाम इलाकों के अंदर एक बार फिर से जल भराव की समस्या जो है एक बार फिर से खड़ी हो जाएगी और जो सीधे तौर पर सिविक एजेंसियों पर सवाल खड़े करेगी। दिल्ली में यमुना भी उफान पर है। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद यमुना खतरे के निशान के आसपास है। कल भी लोहे के पुल के पास यमुना का पानी 205 मीटर से ऊपर बना रहा। अगर यमुना इसी तरह से रौद्र रूप दिखाती रही तो दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस सकता है, कई घर डूब सकते हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो गढ़ीमांडू, उस्मानपुर, वजीराबाद, ITBP, चिल्ला, ओखला के इलाके, सरिता विहार और कालिंदी कुंज के इलाकों में मुसीबत बढ़ सकती है। यमुना के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। लोगों से भी यमुना के किनारे से दूर रहने की अपील की जा रही है। घाटों पर रहने वाले लोग भी इस संकट से वाकिफ हैं और यही वजह है कि वो खुद भी यमुना के बढ़ते पानी पर नजर बनाए हुए हैं। इस मानसून में अब तक दिल्ली में करीब 90% बारिश हो चुकी है। जून और जुलाई के दौरान अब तक राजधानी में 489.3 mm बारिश हुई है। इस वक्त आमतौर पर 231.7 mm बारिश को सामान्य माना जाता है। यानी दिल्ली वालों को अभी कुछ और दिन तक गर्मी से राहत मिलती रहेगी और परेशानी भी बढ़ती रहेगी। घर में है तो मौसम का मजा जरूर मिलेगा लेकिन सड़कों पर आते आते डूब डूब कर चलने की मजबूरी भी होगी। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।